नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। क्रीड़ा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 7 फरवरी से 10 फरवरी को नासिक में आयोजित किए गए पेंचक सिलाट फेडरेशन कप 2020 के 55 व 59 किलो भार वर्ग में महाराष्ट्र, आसाम, नागालैंड व जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को हराकर विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्र सूरज यादव ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। वहीं विज्ञान के क्षेत्र में विद्यालय की छात्रा आर्या पांडे ने पूर्वांचल स्तर पर विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार इंस्पायर साइंस कैंप 2020 के रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी विषय पर चतुर्थ स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। यह साइंस कैंप 27 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित हुआ था, जिसमें विभिन्न जिलों के 215 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। प्रधानाचार्य श्री विधान तिवारी ने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों का बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विकास करना है। विद्यालय के छात्र छात्राओं को विज्ञान, कला, शिक्षा और तकनीकी के साथ साथ क्रीड़ा में भी राष्ट्र फलक पर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप के तहत निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है। 27 से 31 जनवरी के बीच में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में इंस्पायर साइंस कैंप आयोजित किया गया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें बेसिकली जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, जो मैथ या साइंस परस्यू किए हैं सब्जेक्ट, उनका साइंस की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने का मेन उनका मोटिव था, ताकि वो हमारे देश के लिए कुछ इनोवेटिव और कुछ कर सकें। और इसमें हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। इसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया कि कैसे कुछ ही सालों में रोबोट्स जो हैं हम आम जनता के लिए और हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए कितने हेल्पफुल होंगे। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक ट्रेन के भी बारे में बताया गया कि कैसे हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलकर उसको भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में बताया गया, और हमें यहाँ पे कई लैब्स भी विजिट कराया गया, जैसे फार्मास्यूटिकल लैब हो गया, वहाँ पे कैसे दवाइयाँ बनती हैं, उनके एक्सपायरी डेट कैसे पता करते हैं। और हम लोग कई इंजीनियरिंग लैब्स में भी गए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए। मेरा एम मेनली इंजीनियर बनना था, पर हम काफ़ी कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि इंजीनियरिंग में कई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो वहाँ पे जाके मुझे मेरा मेन इंटरेस्ट पता चला कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है। और सर, यहाँ पे मुझे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। और जब मैं वहाँ से वापस लौटी स्कूल में, तो मैंने यहाँ के अपने स्कूल के और बच्चों को इसके बारे में बताया। और मैं आशा करती हूँ कि अगले साल फिर से ये कैंप आयोजित हो और फिर से हमारे जीडी ग्लोबल से छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग लें। सर, मेरा यही कहना है कि जो आजकल जैसे फ़ोन आ गया, तो फ़ोन बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है उनके पास से। सबसे पहले तो फ़ोन का यूज़ जो है वो कम करें, और वो लोग जो किताब है उस पे मेन फोकस करें, और जो अपना गोल है उसको एकदम क्लियर रखें कि मुझे ये बनना है तो यही बनना है, लोग क्या कह रहे हैं और आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है उससे मतलब नहीं। जो मेरा फोकस है सिर्फ, हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए मैं बचपन से प्रैक्टिस करता था, और इसमें मेरे सूरज प्रकाश श्रीवास्तव मेरे कोच और मेरे प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर विधान तिवारी जी का भी सपोर्ट रहा। इसमें स्कूल का मैनेजिंग का भी सपोर्ट रहा बहुत, कि ये बहुत सेंसिटिव गेम है और इसको और बच्चे आके खेलें। और आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे मैं अपने इसी तरह, मुझको अगर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं अपने इंडिया के लिए भी मेडल लाऊँगा। आज जीडी ग्लोबल स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसी विद्यालय के स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ रहे सूरज यादव, जो कि 11वीं के छात्र हैं यहाँ, उन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए महाराष्ट्र में स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में 55 से 58 किलो भार वर्ग में महाराष्ट्र को, नागालैंड और मणिपुर, आसाम के खिलाड़ियों को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। ये स्कूल के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाली बात है कि यहाँ के एक छात्र जो ग्रामीण स्तर से, जिसकी पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो निकल करके महाराष्ट्र जैसे जगह पर जहाँ सारी सुविधाओं से लोग सुसज्जित होते हैं और पूरे देश के खिलाड़ियों का सामना करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ये आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल परिवार और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज इसी सिलसिले में यहाँ विद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि सूरज यादव जो जीत कर आए हैं, उन्हें
पहले भी ये लगातार इनकी उपलब्धियाँ रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जी डी ग्लोबल स्कूल ने इनकी उपलब्धियों को पहचानते हुए स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इनका एडमिशन कराया, इनका पूरा खर्चा उठाता है स्कूल, इनको खेलने के लिए पूरी छूट देता है, उसके साथ साथ में इनका फीस भी नहीं लेता है। सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने की वजह से आज इस मुकाम पर ये पहुंच पाए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ये गोल्ड मेडल जीत करके यहाँ आए हुए हैं। सूरज जी, तमाम प्रतिभा बच्चे हैं, लेकिन कहीं कहीं सरकार इस खेल जगत में जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं, इसको लेकर किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं और किस तरीके का आप लोग मांग करते हैं? देखिए, आजमगढ़ बहुत ही खेल के मामले में पिछड़ा जिला माना गया, लेकिन इसके बाद भी लगातार मार्शल आर्ट्स के खेलों में, चाहे कराटे चाहे पंचकसिलाट रहा हो, लगातार यहाँ के खिलाड़ी बिना किसी सरकारी सुविधा के बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अब खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम निकाली है। हमारे जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जीत करके आते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार सम्मानित भी करती है और कैश अवार्ड्स भी देना शुरू किया है। सूरज जी का भी नाम उसके लिए कैश अवार्ड्स के लिए भेजा जाएगा। और खेलो इंडिया जो राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम चल रही है, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है कि खिलाड़ियों को पहचान करके 10 साल बाद के लिए तैयार किया जाता है कि खिलाड़ी बचपन से ही सीखता रहेगा, 10 साल बाद ओलंपिक्स तक पहुंचेगा और भारत के लिए मेडल जीत करके लाएगा। इस स्कीम के तहत उनको स्कॉलरशिप दे करके तैयारी कराई जा रही है और सरकार इन सारी योजनाओं के लिए और खेल के लिए सबसे अच्छा बजट दी है और आगे कार्य भी कर रही है, इससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हाँ, बस आजमगढ़ में एक मार्शल आर्ट्स की एकेडमी बने सरकारी स्तर पर, एक बड़ा हॉल हो जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर सकें सारी सुविधाओं से सुसज्जित होकर के, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और मुझे आशा है कि खेल मंत्री जी इस मांग को पूरी भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे स्कूल के दो प्रतिभा छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए बुलाई गई है। सबसे प्रथम सूरज यादव हैं, इनका कंट्रीब्यूशन मार्शल आर्ट के क्षेत्र में एथलेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और अभी हाल ही में महाराष्ट्र पंचकसिलाट एसोसिएशन द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसमें लगभग 1500 कॉम्पिटिटर्स ने भाग लिया, उसमें से इसने 55 से 59 कैटेगरी किलो वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो ये यूपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।